अस्सलाम वालेकुम, फरीदा की दुनिया में आपका स्वागत है। आजकल गर्मी का मौसम है और बच्चों की छुट्टियां है तो पिकनिक पर हर कोई जाता है, इसलिए मैं आज आपको मसाले वाली पूरी बनाते दिखाऊंगी। किसी को लौकी पसंद नहीं होती तो इस तरह से मेरी तरह से बनाओगे तो हर कोई खा लेगा। आप इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम दूध ही ली है, तो मैं 200 ग्राम इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैं थोड़ी सी काट लूँगी। तो इसमें से 100 ग्राम जैसी मैं निकाल लूँगी, इधर से भी मैं कट कर लूँगी। अब छील लेना है इससे, इस तरह से पूरे छिलके निकाल लूँगी। देखिए पूरी तरह से मैंने छिलके निकाल लिए। अब इसे घिस लेंगे छीनी सी। मैंने इस तरफ का लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं छीनना है, छोटा ही छीनना है तो गल जाती है, इसलिए मैं बारीक तरफ से छीनूंगी। दूधी को मैंने बीज बिगर की ली हूँ, बीजे बिना की लेना है तो अच्छे से छीने जाएगी। मैंने सारी दूधी को क्रश कर लिया है। अब इसी में डेढ़ कटोरी में सूजी डालूंगी, तो ये बारीक वाली है, आप चाहो तो मोटी भी सूजी ले सकते हो। जो दूधी का पानी होता है वो भी पानी भी इस्तेमाल करना है। डेढ़ कटोरी मैंने सूजी ली है। यहाँ पर मैं पोहे को इस्तेमाल करूँगी, तो इसे मैं पीस लूँगी। एक कटोरी जितना मैंने पोहे को पीस लिया है, तो जिस कटोरी से मैंने सूजी ली है उस कटोरी से मैंने एक कटोरी लिया है, तो मैंने मिक्सर में पीस लिया इसे। दो चम्मच मैंने लीली मिर्ची ली है, तो इसे दरदरा पीस लिया है, तो ये डालूँगी, दो चम्मच है ये। एक चम्मच भर के जीरा है, अखा जीरा। सफ़ेद वाले तिल है ये, तो एक चम्मच है। एक चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालूँगी, तो इससे कलर भी बहुत बढ़िया लगता है। आधा चम्मच खुशबू वाला मसाला है ये तैयार बाजार का। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। आधी कटोरी लीले दाने डालूंगी। स्वाद के हिसाब से नमक डालूंगी। दो चम्मच भर के तेल डालूंगी। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूंगी, बिगर पानी के अभी करना है मिक्स। यहाँ पर मैंने दूधी इस्तेमाल करी है, तो इसका पानी बहुत छूटता है, इसलिए पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसके ही पानी में मसल लेना है। इसका पानी बहुत छूटता है, इसलिए पानी बिल्कुल नहीं डालना है। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाली हूँ, सूजी और पोहे डाली हूँ, तो इसलिए पानी सोख लेता है, तो आप भी पानी मत डालें। इस तरह का मैंने बांध लिया है, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं है और नरम भी नहीं है, इस तरह का चाहिए। इसमें से थोड़ा आटा लूँगी पेड़ा। मैं यहाँ पर गेहूं का आटा लूँगी, तो आटा लगा के मैं बेलूँगी। आप चाहो तो तेल पर भी लगा कर बेल सकते हो। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ी जाड़ी रखूँगी। मैं यहाँ पर गोल शेप दूँगी, आप चाहो तो चौरस भी काट सकते हो। देखिए इस तरह की जाड़ी चाहिए, पतली होगी तो कड़क बनेगी, इसलिए मैं इस तरह की जाड़ी मीडियम रखूँगी। ये लौकी है इसलिए बाहर रेसे दिखेंगे, तो इस तरह से मैं दबा लूँगी। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। ग्लासी बनाएंगे तो एक सर की बनेगी और बहुत आसानी से बन जाती है, मेहनत भी कम होती है। इस तरह से मैंने सारी पूरियां बेल ली है, तो अब मैं तेल गरम करूँगी कढ़ाई में। तेल को मैंने गरम करने रख दिया है, तो मैं अब मीडियम फ्लेम पर रखूँगी और एक एक करके डाल दूँगी। थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है अभी, और थोड़ी देर में ही हिलाते रहूँगी। अभी थोड़ी देर से हिलाते रहना है, अभी ऊपर आ जाएगी, तो एक एक करके पलटाऊँगी। देखिए पूरी ऊपर आ चुकी है, तो मैं पलटा लूँगी अब इसे। इसे क्रिस्पी बनाना हो तो धीमी मीडियम फ्लेम पर रखना है,
और फास रखेंगे तो कच्ची रह जाएगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पर मैं रखूँगी। ये नाश्ता बहुत जल्दी तैयार होता है, तो आप सुबह में दोपहर में बना सकते हो। देखिए पूरी अच्छे से बादामी हो चुकी है, तो इसे निकाल लूँगी अब। इसी तरह से दूसरी पूरियों को भी मैं तल लूँगी। आप कभी लंबे सफ़र में जाओ तो इस तरह की मसाले वाली पूरी बना कर ले जा सकते हो, तो ये लंबे टाइम भी चल सकती है, ये ख़राब नहीं होती। आपने तो गेहूं के आटे की और मैदे के आटे की बहुत सी पूरी खाई होगी, लेकिन इस तरह से मेरी तरह से बना के देखिए, सूजी और पोहे की, तो बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी। पूरी हो चुकी है तो निकाल लेती हूँ इसे भी। मैंने आपको इस तरह से बनाते दिखाया है कि अचार या सॉस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसे ऐसे ही खाओगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, अंदर मैंने चिली फ्लेक्स और मसाला डाला है, तो कितना अच्छा टेस्टी दिख रहा है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।